मेरठ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमी प्रेमिका को परिजनों ने गोली मार दी है, जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से घर मिलने प्रेमी शुभम पहुंचा था। इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस दौरान परिजन अपना आपा खो बैठे और दोनों को गोली मार दी। वहीं दोनों को गोली मारने का आरोप प्रेमिका के भाई, पिता और अन्य सदस्यों पर लगा है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना जानी के एक गांव का बताया जा रहा है। थाना जानी के अंतर्गत पेपला गांव पड़ता है। यहां पर एक युवती का जो घर है, इस घर के अंदर गोली लगा हुआ शव मिला था। युवती के जो परिजन है, जब उन्होंने के द्वारा कहा गया जब घर पे है, तो युवक का जो शव है वो वहाँ एक कमरे में पड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो युवती है उसकी भी सीने में गोली लगी हुई थी। युवती के जो परिजन है, वो युवती उस वक्त तक उनके द्वारा कहा गया कि जिंदा थी, तो उसको लेकर सुभारती हॉस्पिटल गए, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से जो युवती के घर पे ये घटना घटित हुई है, और इसमें अलग अलग तरह के तथ्य इसमें निकल के आ रहे हैं। इसमें पुलिस की हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुँच रही है, और इसके आधार पर पता चल पाएगा कि ये घटना किस तरह से हुई है। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ इसमें हम हैंड वॉश और GSR टेस्ट भी करने जा रहे हैं, जिससे कि पता चल पाएगी गोली किसके हाथ से।